तुम लोग पागल हो गए हो क्या? धोखेबाज, हटो तुम यहाँ से। वो, सुनो, अब देखो मुझे, मैं कैसे इस अस्पताल के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करती हूँ। ऐसा क्यों है? अगर मैं लाखों नहीं कमा रही तो मुझे सभी के सभी एक गरीब लड़की की तरह देखेंगे। यहू, टीना, मुझे उस पार्टी के लिए इंतजार नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल, एडम दे रहा है, आजाद पहुँच जाएंगे। ओए, वो देखो, एक लड़की खड़ी है, शायद रो रही है। अब ये कौन है? हे पेटलू, रो क्यों रही हो? पेट फट रहा है क्या? अस्पताल ने मुझे लात मार के बाहर निकाल दिया, कहा कि मैं गरीब हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे इन पुराने कपड़ों की वजह से ही सब सोच रहे होंगे कि तुम बहुत गरीब हो। सुनो, अगर हम कुछ पैसे दे तो तुम अस्पताल चली जाओगी? क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल, दे दो, मैं और मेरा बच्चा आपका आभारी रहेगा। ओह, पैसा पैसा पैसा। किटी, आराम से भी दे सकती थी। ओह कैश, ये वाकई कमाल का है। ओह रुको 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 रुको, तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो? क्या मैं वो आपकी कार में रेस्ट कर सकती हूँ प्लीज? ओह हाँ बिल्कुल, क्या हम तुम्हें तुम्हारी घर छोड़ दे? मेरे पास कोई घर नहीं है, मुझे सबने बाहर निकाल दिया और मैंने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया है। अरे सुन के बुरा लगा। सुनो, तुम मेरे घर चलो। टीना, उसके साथ खिलवाड़ मत करो, वो बीमार हुई तो। किटी चुप रहो, इसे मदद की जरूरत है। बहुत धन्यवाद प्यारी लड़कियों, धन्यवाद। ठीक है, लगता है पूरी पार्टी खराब हो जाएगी। अरे टीना रुको, इधर, मुझे इधर ही छोड़ गई तुम। तो मैं यहाँ रहती हूँ। वाओ, इतना बड़ा घर तुम्हें कहाँ मिला? जल्दी एक नया ले रही हूँ, इससे डबल साइज का होगा। टीना बेटा, तुम ठीक तो हो? तुमने कॉल तक नहीं उठाया। तुम्हारे पापा और मैं परेशान हो रहे थे। माँ पापा, हमें वह सड़क पर मिली, इसके पास रहने के लिए घर नहीं है। वैसे मैं ईवा हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ, बिना पैसों के सड़कों पर सोने वाली औरत। सुन के दर्द होने लग गया। माँ, इसके लिए बुरा लग रहा था, इसलिए ईवा को घर ले आई। टीना तुमने ये अच्छा किया, जरूरतमंदों की हमेशा मदद करो। इसकी सफाई करनी होगी, तुम इसे अंदर ले जाओ, इसकी थोड़ी सफाई करना, उसके बाद हम सब मिलके खाना खाएंगे। आपका तहे दिल से धन्यवाद, आप सच में बहुत ही ज्यादा मस्त हो। कसम से मैं अपने बच्चों का नाम आपके नाम पे ही रखूंगी। धन्यवाद। ईवा, फर्श ठंडा है, उठो, फर्श पर मत बैठो, अपने कपड़ों को झाड़ो और चलो कपड़े बदलो। ओए, 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 ईवा, फर्श ठंडा है। अचानक से बहुत तेज लग गई, नहीं लगता है कि निकलने वाला है। हम उस तरह का काम बाथरूम में करते हैं। बाथरूम क्या करूं? ईवा मेरे पीछे आओ जल्दी। देख कर चलो, अंधी हो क्या तुम? मॉम, ये अजीब सी लड़की कौन थी? टीना ने एक प्रेग्नेंट लड़की की मदद की है, वो थोड़ी देर के लिए हमारे साथ है। हाँ, बिल्कुल सही कहा, मुझे तो एक आम लड़की लगी, बस उसके पास थोड़े पैसे नहीं है, बस इतना ही है। अब यही देखना रह गया था, क्या वो लड़की नॉर्मल भी है? ठीक है, पूरी 1 साल हो गए हैं और हम डकैत को पकड़ नहीं सके। क्या है ये? मिस ग्वेन, वो ड्रिल है, हम शिकार पर हैं। वो भयानक काम कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। देखिए, हम जानते हैं कि वो एक खतरा है, लेकिन उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। हैरी, मुझे याद दिलाओ, हम किसके पीछे हैं? यार, अरे नहीं, मैं तुम्हें सचमुच पे क्यों कर रही हूँ? देखो देखो इसे। ओए, मैंने उसे कहीं देखा है। ये वही है ईवा, जिसे हम ढूंढ रहे हैं। कभी ये बच्ची बनती है, कभी दादी बनती है, और कभी सेंटा क्लॉस के रूप में छुप रही है ये। हाँ हाँ, ये वही लड़की है, मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत ही खतरनाक लड़की है। चलो बे, सचमुच अगर कल वो राजकुमारी बन जाए तो क्या होगा? हमेशा इस ईवा के पीछे भागते रहोगे क्या? तुम इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड हो, तुम अगर 1 हफ्ते में तुम ईवा को पकड़ नहीं सके तो तुम गए। मैं सब समझ गया मैडम, मैं उसे लेकर आऊंगा। तो
तो फिर यहाँ पे क्यों भटक रहे हो तुम? जाओ काम पे लग जाओ, जाओ जल्दी जाओ। अबे गधेड़ी चल ना, पागल है क्या, समझ लिया? इन पागलों के साथ मैं क्या करूँ? ओहो हाँ, ऐसा लगता है कोई आसपास नहीं है। कूल, हाँ ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ कुछ कीमती चीजें मिल जाएं। ईवा, मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे नहीं टीना, हाँ अगर कुछ हो तो मैं थोड़ी देर के लिए सो रही हूँ। ईवा देखो मैंने तुम्हारे लिए पाइप बनाई है। हाँ ओह ठीक है, सोने की यात्रा रद्द हो गई। वो भोजन यहाँ ले आओ। ईवा ये तुमने क्या पहना है? क्या पसंद आया? मुझे तो ये तुम्हारी अलमारी से मिला है। ये भयानक है, ये सफाई वाली के कपड़े हैं, इसे फेंक देना चाहिए, ये स्टाइल में बिल्कुल नहीं है। क्या तुम इस कपड़े को फेंकोगी? फेंक दो। हाँ सही है, मैं इस ड्रेस में स्टाइलिश लग रही हूँ। टेस्टी, और इसमें मेरा बच्चा भी नहीं दबरा, समझी? ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वाह काफी कूल गैजेट है। ये पैनिक बटन है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो इसे क्लिक करो और मैं तुम्हारे लिए लाऊंगी। हाँ हाँ कूल, धन्यवाद। चिल करो। क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? आइसक्रीम का मन कर रहा है। ठीक है। ये लो। ओ धन्यवाद। ईवा तुम आराम करो। ओ एक आइडिया है, मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी पीठ मले। तुम्हारी पीठ? आओ यार प्लीज जल्दी जल्दी मलो। ओ सम, अब बस। क्या मुझे सोने की इच्छा हो रही है? ईवा बस करो, अब तुम ज्यादा कर रही हो। मुझ पे मत चिल्लाओ, मैं गर्भवती हूँ। ओह सॉरी, ये मतलब नहीं था मेरा, अभी लाती हूँ, बस रोना मत। अरे यार मैंने उसे वो बटन ही क्यों दिया। टीना क्या हुआ? टाइलर, मैं हमारी गर्भवती मेहमान की मदद कर रही हूँ। मैंने उसे एक पैनिक बटन दिया और अब मैं उसकी इच्छाएं पूरी कर रही हूँ। सच में? क्या तुम उस पागल का ज्यादा ख्याल नहीं रख रही? हाँ टीना अपने कमरे में जाओ। टाइलर मुझे चाहिए कि हमारे मेहमान यहाँ आराम महसूस करे, इसीलिए मैं उसके लिए गोल्डन कैंडी लेकर जा रही हूँ। ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। टाइलर ये मीन है, मुझे ऐसा नहीं बनना, मैं उसकी मदद करूँगी चाहे कुछ भी हो। अब उसे फिर से कुछ चाहिए। ठीक है, हमें इस ईवा पर नजर रखनी चाहिए, मुझे उस पर बहुत ज्यादा शक है। मुझे तो अपनी बेटी पे बहुत गर्व है, उसे भिखारियों तक पे दया आती है। हाँ टीना हमारे परिवार का गर्व है, हमने उसे सही तरीके से पाला है। ओहो हेलो, तो कैसे हो दोस्तों? ईवा तुमने इन कपड़ों को कहाँ से उठाया है? हाँ, पता है मुझे, टीना ने बताया है मुझे। लगता है किसी को तो फैशन की समझ है। हाँ बिल्कुल, मैं ईवा हर दिन आपकी पत्नी से बेहतर कपड़े पहनती हूँ। वैसे मुझे एक मैगजीन कवर पर होना चाहिए था। ईवा तुम तो मुझे हजार हजार कर ही मार डालोगी। अच्छा मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया, हमारा एक कीमती पैकेज आने वाला था। हाँ हमें उस सारे सोने को सुरक्षित रखना होगा, चलो चलते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। एक वोल्ट सोना। लगता है कि मैंने बिल्कुल सही जगह पर अपना कदम रखा है। ओ ठीक है, हाँ तो मैं चोरी के लिए तैयार हूँ। हाँ तो ये है मेरा छोटा सा रास्ता। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अरे वाह यार,
और यहाँ तो इतने सारे सोने को देखो। ये सीधे सीधे पैसे की खुशबू है। बेबी तुम महसूस कर सकते हो क्या? ओ मेरा क्यूटी। ये क्या है? ये है क्या? तूने मुझे मारा, तू यहाँ पे करके रही है? क्या तू इस वॉल्ट में कैसे ही भला? मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। नहीं, ये एक ट्रेजर वॉल्ट है। तो फिर लो हमारे पास आ ही गए, ये देखो बिल्कुल नई सोने की ईंट है। मैं बच्चा पैदा कर रही हूँ। पहले तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? देख नहीं रही हो उसकी हालत कितनी खराब है? जाओ जल्दी से डॉक्टर बुलाओ। ओके मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। अरे यार अस्पताल भी नहीं जा सकती, मेरा पूरा प्लान बच्चे पर है, वरना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जल्दी उठ जाओ, देखो डॉक्टर आ गई हैं। चलो हमें अस्पताल जाना होगा, वो चेकअप करेंगी। ईवा क्या कर रही हो ये तुम? क्या कहा? चलो अच्छा हुआ तुम जाग गई। देखो डॉक्टर भी आ गई हैं। हेलो कहाँ है होने वाली माँ? हो मैं पैदा कर रही हूँ, तुम इसे नहीं देख सकती। तो तुम हो होने वाली माँ? तुम ये बताओ कि मैं पैदा कर रही हूँ या नहीं? ठीक है आओ बच्चे को सुनते हैं अब। क्या बात है डॉक्टर, कुछ तो बताओ। ओए अरे ये क्या है? बच्चे की धड़कन मुझे नहीं सुनाई दे रही, जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। बस डॉक्टर आराम से, डॉक्टर कुछ तो बताओ, डॉक्टर क्या हो रहा है बताओ तो सही। होने वाली माँ कहाँ है? समय नहीं है, हमें बच्चे को बचाना होगा। कृषि अच्छा हुआ कि तुमने मुझे सब बता दिया, मैं कुछ देर में सबको लेके पहुँचता हूँ। ये सब वैसे क्या हलचल है? हाँ ला 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 ला। अरे ईवा तुम ऐसे कैसे इधर उधर कूद रही हो, क्या तुम्हें अब दर्द नहीं हो रहा है? नहीं तुम बस चीजें कल्पना कर रही हो। मैं तुम्हारा पेट चेक करती हूँ, बच्चा शायद अभी भी खतरे में होगा। अपना हाथ हटाओ, मेरा बच्चा ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और मेरी धड़कन बिल्कुल सही है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धन्यवाद। हाँ जा सकती हो तुम, सब ठीक है। लगता है डॉक्टर उसे गैस वैस का कोई दर्द हो गया होगा। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है दोबारा से दर्द हो तो मुझे फिर से कॉल करना, समझ गई? अरे यार मुझे इस पागल पे नजर रखनी होगी। प्रेग्नेंट वुमेन को कैसे पहचाने? ठीक है, अजीब खाना, बार बार पादना और बार बार टॉयलेट जाना। टाइलर मुझे लैपटॉप दो। नहीं मैं बिजी हूँ, अपना जाके खुद ले लो। ये मेरा है, मुझे यही चाहिए। गर्भवती महिला को कैसे पहचाने? हाँ मुझे लगता है कि ईवा हमें झूठ बोल रही है। टाइलर ये तुम क्या बोल रहे हो? ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम उस ईवा को घर पे क्यों ले आई हो। शायद अब तुम और भिखारियों को लेकर आओगी, उन्हें खिलाओगी, उन्हें सुलाओगी, उनकी सेवा करोगी, है ना? जरूरत पड़ी तो मैं वो भी करूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। यकीन नहीं हो रहा। हेलो किटी, क्या तुम जानती हो टीना ने क्या किया? बिल्कुल जानती हूँ, एक गरीब लड़की को अपने साथ ले लिया और मुझे सड़क पर ही छोड़ दिया। ये सब पागलपन है। और सुन लो, मुझे उससे अब कोई बात नहीं करनी है, उसे बोल देना कि किटी अब टीना की दोस्त नहीं रही। टीना पूरी की तरह पागल हो चुकी है, उसने ईवा के लिए अपनी दोस्त को छोड़ दिया, पागल औरत। ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? क्या तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो? अरे हम तो बस यहाँ पर तुम्हारे बच्चे के लिए तोहफा लेने आए हैं। ओ कौन सा बच्चा? ओ एक बच्चा, ठीक है। हाँ ये ठीक है। ईवा तुम यहाँ से कुछ भी चुन सकती हो। मुफ्त में? हाँ बिल्कुल सही कहा, उसकी पेमेंट हम कर देंगे। ईवा तुम इतनी जोर जोर से क्यों कूद रही हो? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें फिर से दर्द शुरू हो जाए?
मुझे सब चाहिए, मेरे बच्चे को सब चाहिए। कुछ भी हो, तुम्हें जो भी चाहिए वो ले लो, बिल्कुल भी शर्माना मत। हाँ मैं शर्माती नहीं, मैंने कहा कि मुझे ये सब चाहिए तो ये। आओ इसे रखो यहाँ पे। ठीक है, मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। तुम वो सब कुछ पैक कर दो जो कुछ भी युवा लेना चाहती है। वाह ये सच है, सच में तुम्हारी वजह से। इसकी कितनी कीमत हुई? 5,000। अरे वाह ये बहुत है। वाओ वाओ। अच्छा ये रहा कार्ड, इससे पेमेंट करो। हाँ हाँ ये लो। हाँ चलो अब अगले स्टोर चलते हैं, वहाँ से कुछ और ले आएंगे। हाँ ठीक है, जा रही हूँ जा रही हूँ। दोबारा आना हमारे स्टोर में, किड्स लैंड स्टोर में। ये बताओ कि तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? चलो रिफंड करो, मुझे इस सामान की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, लेकिन फिर पैसा कार्ड पे वापस किया जाएगा जो तुमने पे किया। नहीं सिर्फ कैश, नहीं तो तुम समझ रही हो मैं अपना बच्चा इस जगह पर और इस फर्श पर पैदा कर दूंगी। नहीं 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 सुनो। ये लो ये रख लो, ये भी, ये सब रख लो। एलिस हम चलते चलते कितनी दूर आ गए पर वो मिल ही नहीं रही है। हमें कुछ करना था क्या, याद दिलाओ। मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसकी तो अबे क्रिमिनल ढूंढ रहे हैं, बचपन में सर के बल गिरी थी क्या तुम? अरे वाह ये रियल लाइफ का क्रिमिनल रोमांचक है। अरे उससे पूछताछ करते हैं, ईवा यहाँ बहुत बार देखी गई है, उसे कुछ तो पता होगा। चलो चलते हैं। अरे तुम लोग कौन हो? मैं एलिस हूँ और तुम कौन हो? अरे गधेड़ी तू डेट पर आई है क्या? सुन वे हम लोग तेरे घर के पीछे वाले थाने के पुलिस वाले हैं। वाह सचमुच ये तो मस्त है। हम एक लड़की की खोज में हैं, मुसीबत खड़ी करने वाली, तुमने देखा? अरे मुंह क्या फाड़ रहा, देखा है क्या कहीं? मैं उसे पकड़ो, वहाँ जाओ। अरे गधेड़ी वो उस तरफ गया है, गधी कहीं की? ओ, सही है। रुक कहाँ भाग रहा है बे साले? क्यों? लेकिन आखिर मैंने किया क्या है? तुम ऐसे कहाँ भाग रहे हो? ईवा के बारे में कोई क्लू मिला? नहीं नहीं नहीं, पहले मैंने इसे कभी नहीं देखा, सच्ची बोल रहा हूँ। अबे तो गधे इतना भागा क्यों? मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा और मैं देर से जा रहा हूँ। ये ठीक है तो जाओ। अरे नहीं मुझे पता था कि वो तुम्हें पकड़ लेंगे, आशा है कि तुम मेरे लिए कोई सुराग नहीं छोड़ोगी, पर मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं मेरी स्वीट हार्ट? अविश्वसनीय, मेरा भाई है कि मूर्ख। अरे यार अब क्या हुआ? उसे लगता है कि तुम गर्भवती नहीं हो। हो सचमुच उसने ये कहा? हाँ तो तुम यकीन कर सकती हो, मैंने उसे बहुत सुनाया, तुम चिंता मत करो। अच्छा ओ वैसे वो सच में पागल है। ओ टायलर मुझसे उलझना चाहता है क्या? थू, थू, बिल्कुल। मिसेस क्रिस्टी मुझे कुछ खाने का मन है। ओह डार्लिंग तुम्हें जो भी चाहिए वो मंगवा लो ना। ओह 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 मुझे जो चाहिए सचमुच? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए तो कभी पैसे नहीं बचाती। हे मस्त। ओह ये कितना अद्भुत है। क्या मुझे तुम्हारे हाथों की मालिश करनी चाहिए? बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओह तुम्हें कैसा लग रहा है? ओह बहुत अच्छा, तुम शानदार हो। धन्यवाद धन्यवाद। वैसे सच कहूँ तो ये सब मुझे मेरी जो मेरी दादी थी ना उनसे सीखा। तुम्हारी दादी का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी मालिश करना सिखा दिया। ईवा मैंने सुना कि तुम्हें भूख लगी है। हाँ भूख लगी है। ये लो तुम्हें ये पसंद है ना? चालाक कहीं का, वो सचमुच मुझे देखने के लिए आया है। देखते हैं कि ये सच है कि नहीं, ये प्रेग्नेंट है भी के नहीं। सुनो भोजन हाथ में है और मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है। हाँ वाह वाह। ओह गॉड ईवा तुम्हें कितनी ज्यादा भूख लगती है।
अरे नहीं 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 ईवा, ये तो एक फेस मास्क है, तुम इसे नहीं खा सकती। पर इसका टेस्ट मस्त है, वैसे भी मैं गर्भवती हूँ और मैं कुछ भी खा सकती हूँ। ऐसा लगता है ये सचमुच प्रेग्नेंट है। स्वादिष्ट। ओए ईवा, तुम सचमुच में बहुत मजेदार हो। हाँ सचमुच। ओ मॉम, आप ईवा के लिए अल्ट्रासाउंड की बुकिंग नहीं करोगे? आप देखना नहीं चाहते कि उसके पेट में लड़की है या लड़का? अरे हाँ, ये बात तो तुमने अच्छी याद दिलाई। चलो जल्दी से अल्ट्रासाउंड के लिए चलते हैं। ओह सुपर, अब पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है भी कि नहीं। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। सचमुच मुझे समझ में नहीं आता कि हम यहाँ पर आए क्यों है। मैं वैसे भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ और मेरा बच्चा भी। ईवा, यहाँ पर एक छोटी सी जांच होगी बस। हाँ चिंता मत करो, हमें बस चेक करना है कि सब ठीक है या नहीं। हाँ बिल्कुल, हम वहाँ रोगियों की जांच करते हैं। क्या हुआ? चुप हो। नहीं, मैं सिर्फ उस मशीन से डरी हुई हूँ। ईवा शांत रहो, हम बस छोटी ईवा को देखना चाहते हैं। ठीक है, यदि यही है तो फिर देखो। ओए, ओए, ओ, खुद को धक्का मत मारो बेवकूफ। अरे वाह, ये तो जुड़वा है, तुम्हारी दोनों लड़कियां हैं। आ जाओ दो छोटे। वाह कितने प्यारे हैं ये। ईवा बधाई हो, हमें नाम सोचने होंगे। हाँ, मैं उन्हें टिंकी और विंग के नाम दूंगी। बहुत अच्छा। सीरियसली मॉम, टिंकी? क्या कहा विंकी? कोई आसान नाम नहीं ढूंढ सकती थी तुम? ओ, हम पैदा होना नहीं चाहते, सब बेकार है। कितना प्यारा है, मैंने तो सोचा भी नहीं था, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ओ, ये नहीं सोचा था। टीना चलो बेटा, अब हम बाहर चलते हैं, ईवा की जांच पूरी हो जाने दो। मुझे इस काम के कितने पैसे मिलेंगे? वैसे मेरे पास 5,000 रुपए हैं, जो कि मैंने खुद स्टोर से कमाए थे। चाहिए तो और थे, लेकिन ये भी ठीक है, तो चलो डील डन। यहाँ है तुम्हारा। हाथ नहीं, पैसे दो मुझे। ये लो। ये हुई ना बात, आग लगा दो, बस ये देखो कि किसको पता ना चले, समझी? अच्छा काम किया। अच्छा तो अल्ट्रासाउंड कैसा रहा तुम्हारा? हाँ बेबी, ईवा के पास जुड़वा बच्चे हैं, कितनी अच्छी बात है ना? ये तो कमाल है। चलो एक पिज्जा ऑर्डर करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, मजा आएगा। मुझे पिज्जा से नफरत है, ये कचरा है। चलो तुम लोग चले जाओ, लेकिन ये लो, मैं कार में चिल करूंगी। उसको क्या हुआ? लगता है उसका मूड स्विंग हो रहा है, ऐसा होता है कभी। यार ये बेवकूफ पेट मुझे पागल कर रहा है। ओह इतना उबाऊ। कार अनलॉक है, तब तो कोई भी इसे छीन सकता है। जैक ये तुम हो? एवा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये बताओ तुम्हें क्यों परवाह है? हाँ एक बात थी और बिग प्लान्स भी थे, क्या तुम्हें इस बारे में पता है? हाँ हाँ, तुम अब फंस गए हो और मेरे पास अब एक नया आदमी है। एवा एवा, जा कर रही हो, एक बार मेरी बात तो सुनो, हमारा बात करना बाकी है। अच्छा ईवा, पिज्जा आ चुका है, चलो चलते। एवा मेरी बात तो सुनो। ओ वैसे जैक, तुम मेरे नए पति से मिलो और इनका नाम है नेट। क्या पति? मुझे ये नहीं करना है। हमारा जल्दी एक बच्चा भी होने वाला है, तो दूर हो जाओ, समझे? ओ तो अब मैं समझता हूँ कि हमारे बीच सब कुछ ऑफिशियली खत्म हो चुका है। ईवा पता नहीं तुम क्या बोल रही हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। सच में मेरी गलती, मुझे लगा कि वो एक बदमाश है, तो उसने जब आप जैसे इतने मजबूत को देखा तो फिर मैंने ये कहा कि इतने मजबूत आदमी जो है वो मेरे जो है वो पति हैं। ऐसी बात है, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो। अरे ढोले शोले तो है मेरे पास, लेकिन आगे से तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? वाह, तुम्हें सीधी उंगली से नहीं करना चाहिए था, अब मैं अपनी उंगली टेढ़ी करके दिखाता हूँ। चलो तो बताओ
क्या कोई अपडेट है? जोर लगा कर किया, उस आदमी को छोड़ दिया, पता चला वो पूरा मूर्ख है। एलिस चुप रहोगे तुम? लेकिन ये सच है। कौन सा आदमी? तुम्हें ईवा को ढूंढना था। ठीक है, वो हमने सबसे पूछताछ की लेकिन किसी को नहीं पता। मैंने उसे देखा है, मुझे पता है कि ईवा कहाँ है। और ये कौन है? हमने इससे भी पूछा था लेकिन इसने कहा कि इसे नहीं पता। मैंने उसे देखा है, वो किसी अमीर आदमी नेट के साथ में है और वो गर्भवती भी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं भी एक अमीर आदमी पकड़ सकती हूँ। एलिश होश में आओ, क्या सचमुच तुमने उन्हें देखा? हाँ, यहाँ पर एक तस्वीर है, देखो। क्या तुम बेहतर तस्वीर नहीं ले सकते थे सचमुच? अच्छा तो ठीक है, फिर तुम लोग जल्दी करो और सब कुछ पता लगाओ। जैक थैंक यू, हम तुम्हें बोनस में जोड़ेंगे जल्दी। जल्दी करो। मुझे घर जाना है, अब पहुंच गए हैं क्या? ईवा, यहाँ हम फिल्म देखने आए हैं, कार्टून मूवी है यहाँ पर। अरे तुम्हारे बच्चे को भी सब मजा आएगा। एक्सक्यूज मी। अरे ईवा, तुम क्यों नहीं आ रही हो? नहीं आना है। रुको, इसे बदलो। हाँ मैं आ रही हूँ। उप्स, ओ, मुझे प्लीज माफ करो, ये मेरी गलती है। थोड़ा आराम से हो सकता है क्या? प्लीज मुझे माफ कर दो। ओ, यहाँ तो पॉपकॉर्न है, एक गर्भवती महिला को पॉपकॉर्न चाहिए। यहाँ से बाहर जाओ। क्षमा करें प्लीज, ये मेरी ही गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम क्या सोच रही हो? प्लीज मुझे माफ करो, मैं ऐसे ही अद्भुत हूँ। जल्दी से बैठ जाओ, फिल्म शुरू हो चुकी है। हाँ देख रही हूँ पक्का। ओए, मुझे पेशाब करना है। हाँ करना है। ओ ओप्स, अपना इरादा बदल लिया। ईवा तुम कितनी पागल हो। और अब मुझे सत्य पेशाब जाना है। अरे शांति रखो, ये महिला एक नंबर की जिद्दी है। इसे मत आने दो। हम इसके लिए माफ करना, वो दरअसल प्रेग्नेंट है, उसके साथ ऐसा होता ही रहता है। उसके लिए तुम ये रख सकती हो। शानदार डॉलर्स। रुको, मेरा ब्लिंक चोरी हो गया। और मेरी अंगूठी कहाँ गई? ये क्या? अरे यहाँ पर चोर घूम रहे हैं क्या? चलो चलिए, ये कोई शानदार थिएटर नहीं है, सब कुछ बेकार है। ऐसा लगता है यही घर है। अरे ये बड़ा है। हाँ हाँ, मिस्टर नेट यहीं रहते, मैंने चेक किया था, ये मिस्टर नेट का ही घर है। और वो जो ऊपर सीसीटीवी लगा हुआ है ना, उसमें देखा था हमने कि ईवा यहाँ घूम रही थी। तो तुमने सही जगह पर मारा है, चलो चलते हैं। ठीक है, यहाँ हमें क्या मिला है? आहा, ओ, 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 कैश, ओ, नाइस। ईवा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम लोग क्या चाहते हो? देखो हम तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज लाए हैं। अरे जरा देखो तो, कस्टम मेड सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया, 2024 का मॉडल। ये रहा। ये कुछ बेहद ही अजीब है। और ये असली सोने से बना है, ध्यान रखो। दिलचस्प है, क्या यही सब है या और भी है? हाँ, अच्छा रखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्या तुमने देखा? ये मैजिक स्ट्रोलर डायपर भी देता है। अच्छा वैसे डायपर्स में, लेकिन स्ट्रोलर दिलचस्प है, वो सोने का बना हुआ है। ओ, वैसे उसे बेचकर मुझे कुछ कैश मिल सकते हैं। हे मो, मेरा बैग कहाँ है? उसमें मैंने पैसे रखे थे न्यू लैपटॉप के लिए। ओ, ये रहा। उम्मीद है कि पैसे अभी इसी में होंगे। ओ नहीं, वो इसे अब बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। वो ओ ओ ओ क्षमा करें, ये एक एक्सीडेंट था। अरे नहीं, इसमें पैसे थे पागल। गर्भवती महिलाएं कितनी मासूम होती है ना। तुम्हारा शुक्रिया ईवा,
सभी नीचे हो जाओ। बंद कीजिए सब, यहाँ पर एक गर्भवती महिला है। ये लड़की जो प्रेग्नेंट है ये क्रिमिनल है। तुम ऐसे कहाँ भाग रहे हो? ये भेष बदलती है और घर में चोरियाँ करती है। या, मैं जानता था। उसे जल्दी बाहर ले आओ। मुझे दर्द हो रहा है। झूठ मत बोलो, जल्दी बाहर चलो। ओ नहीं, क्या ये सच है? ईवा तो क्रिमिनल निकली, अब ये बुरा सपना है। आखिर तुम पकड़ी गई है ईवा। हमने इसका कई दिनों तक इंतजार किया था। देखो मुझे छोड़ो, ये बिल्कुल भी कूल नहीं है। मैं एक गर्भवती महिला हूँ। बढ़िया, चल शांत हो जा। जब 9 महीने हो जाएंगे ना, तब छोटे छोटे यहाँ पर कैदी होंगे। एलिस हैरी, मैं तुम्हें सर्टिफिकेट देना चाहती हूँ फेडरल ब्यूरो में तुम्हारी मेहनत के लिए। मेरी छाती चौड़ी हो गई। और तुम दोनों नौकरी छोड़ दो। लेकिन क्यों? तुम दोनों ने बड़ी गलती की है। तुमने पूरे प्रोसेस को इतना धीमा किया और ईवा को ढूंढना तुम्हारी किस्मत थी। चलो अब जाओ। ये क्या? और तुम ईवा, अब सारी प्रोसेस और सारी जांच से तुम्हें गुजरना होगा। हो, जरूर बाबलों, बैठो तुम मूर्खो। आखिरकार मैं वहां से बाहर निकली। अच्छा, अब इस जगह से मुझे बाहर निकलना है। ये भारी पेट है। सब ठीक है, धन्यवाद। अब मुझे जैक को मिलना होगा, उसके सामने सब करना होगा। उसके बिना मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकती। ईवा को हमें वहाँ से वापस लाना चाहिए। मुझे भी ये लगता है। ईवा मुश्किल में है, उसे हमारा इंतजार होगा। आप लोग पागल हो गए हो क्या? उसने आपको धोखा दिया और आपको अभी भी उसके लिए हीरो बनना है? वो प्रेग्नेंट है और वो जेल में है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? बस एक चीज पर ध्यान दो कि वो चोर है और उसने हमें धोखा दिया। ईवा ने क्या चुरा लिया है? सोने के बार्स, कैश, डायमंड्स, जेब के छुट्टे, पैसे? पापा कुछ तो बोलिए। मैं इस मामले में तुम्हारी माँ की साइड हूँ, क्योंकि ईवा उसे घर पर लेकर आई थी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। मेरा पेट कहाँ है? हाँ वहाँ है। अच्छा ईवा, ईवा तुम ठीक हो? हम सोच रहे थे तुम्हें जेल से कैसे निकाले, तुम वहाँ कैसे पहुँची? उन्होंने मुझे पहले ही छोड़ दिया, मेरा मतलब गर्भवती कार्ड ने काम किया। ओह बेचारी, तुम्हें छोड़ दिया कि तुम भाग कर आई हो। टाइलर ये क्या बोल रहे हो? मेरी गलती, गर्भावस्था ने मेरे साथ ऐसा किया। फिर से नहीं होगा, मैं कहीं और चली जाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। हमें तुम पर यकीन है। हमारे छोटे बच्चे कैसे हैं? वो बढ़ते रहे हैं ना? ओए बिना शक के। और एक और बात, क्या मैं कॉल कर सकती हूँ प्लीज? हाँ बिल्कुल, ये लो। अभी हाँ। हेलो जैक, सुनो तुम यहाँ आओ अभी। इसे देखो, जैकपॉट। वाओ, अंत में सब कुछ यहाँ से बाहर निकाल रही हूँ। वाओ, आखिरकार ये दिन आ ही गया। रुको दोस्त, ये एक लूट है। धीरे से डंबो, सब सो रहे हैं। ये मास्क उतारो और जल्दी से जल्दी सब कुछ बैग में डालो, जल्दी। ओ कम ऑन, तुम इतने बोरिंग हो, मजाक नहीं कर सकते हा? काम पर ध्यान दो, समझे? एवा, वैसे मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे याद किया, और तुम्हारा प्रेग्नेंट होने के लिए धन्यवाद। ओ हाथ ऊपर, पेट के साथ मत खेलो। एवा, मुझे माफ कर दो। ओ क्यों? तुम्हारे खिलाफ सब कुछ बताने के लिए। नहीं नहीं, इसको जाने दो, हम सब कुछ इकट्ठा करते हैं। चलो करते हैं। सुनो, तुम ये पैक पकड़ो और मैं सुबह तक यहाँ पर चल करती हूँ, तुम कार्ड पासवर्ड से निकालो। ठीक है बॉस, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। हाँ ये लो। हे ईवा, जल्दी उठो, कल रात को हमारे घर में चोरी हो गई थी। उन्होंने सोना चुरा लिया। पापा का एक भी पैसा नहीं बचा है।
अरे यार, इतना जोर से क्यों चिल्लाते हो? क्या मामला है बताओ? तो ईवा, तुम्हारे पेट में जो बच्चा था कहाँ गया? अरे नहीं, यहाँ है। देखो, बस जोर से फिसल गई थी। हाँ, वैसे अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? ऐसा दिखता है कि अब है नहीं। तो तुम वाकई में धोखेबाज हो। मॉम डैड, आपसे कहा था ना इस पे भरोसा मत करो, लेकिन आप दोनों इस चोर के जाल में फंस गए। ये सिर्फ एक मजाक था। हाँ, वो मैं बस बताने ही वाली थी कि हम प्रैंक्स के बारे में एक शो बना रहे हैं और जिसमें तुम स्टार्स हो। वा, 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 वा। मेरा तो सिर घूम रहा है। टाइलर, तुम अभी का अभी पुलिस को कॉल करो, इसे तो अभी जेल में होना चाहिए। अरे ये सिग्नल नहीं आ रहे, मैं अभी कॉल करके आता हूँ। कोई रास्ता नहीं। वा, 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 वा। इस बार से जाने नहीं दूंगा, ये अपनी पूरी जिंदगी जेल में गुजारेगी। सॉरी फैमिली, मेरी गलती है, मैं ही उसे हमारे घर में लाई थी। दीदी शांत हो जाइए, मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया था, वो लोग उसे पकड़ ही लेंगे। टाइलर, तुम एक लेजेंड हो जिसने इस कॉन आर्टिस्ट को तुरंत पहचान लिया। तो वो कहाँ है? क्या उन्होंने उसे पकड़ लिया है? अरे बस बच गई हूँ। ठीक है, कार्ड बदल दिया मैंने। आओ यार, बिल्कुल यहाँ है, ये देखो। और पासवर्ड? उन्हें भी पाया, वो समझ गए थे कि मैं बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो फिर वो सभी परेशान होने लगे और मैं खिड़की से बाहर कूदी, सब कुछ लूट लिया। ओ, तो तुम तो एक लेजेंड हो। तो क्या एक नया डकैती का प्लान करने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल। कौन सा वाला, एल्विस या बॉर्बी या फिर केन वाला? हालांकि गर्भवती होने वाला आखिरी प्लान था। वैसे वो प्लान नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच में गर्भवती हूँ। कमाल है, मस्त। ये टेस्ट है, जैक पापा बनने के लिए तैयार रहो और हमारा छोटा सा हमारे साथ शामिल होगा। अरे अब हम पकड़े जाएंगे और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। गाड़ी चलाओ, जल्दी से बावले ले चलो, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी 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 जल्दी। तो क्या उन्होंने ये कपड़ों को तुम पर फेंक दिया होगा? क्या बचा क्या तैयारी की? शुरू करते हैं। टीना ने एक प्रैको छुरी को लिया है। ओ ईवा, 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 मुझे लगता है कि अभी तक हमने इसे स्पर्श नहीं किया। ईवा। ओह, ये जंगल थी। ओह, ये क्या है? काफी मजबूत है। मॉम, आपने मेरा बैग देखा, उसमें मैंने कंप्यूटर रखा था पैसों के लिए। We'll be right back.